गोल्ड की स्मगलिंग करने वाले एक बंदे का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है। जब पुलिस इस केस को अपने हाथ में लेती है तो उन्हें पता चलता है कि जिस होटल के कमरे में ये मर्डर हुआ है उस कमरे से ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। तो फिर उस आदमी को किसने मारा और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या फिर इस मर्डर के पीछे कुछ और ही राज छुपा है, यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। इस कहानी का क्लाइमैक्स देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मुथु नाम के एक सोनार से, जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर होता है। उसी तरह मुथु अपनी बीवी के साथ सीधी सादी जिंदगी गुजारता रहता है। मुथु का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम है कन्नन। अब कन्नन के पास जेवर बनाने का स्किल तो नहीं होता, लेकिन उसे 4 अलग अलग भाषा आती है, इसीलिए वो अलग अलग देश में जाकर सोने के जेवरात डिलीवर करता रहता है। कन्नन के ओनर अंबिका के पास थोड़ा एक्स्ट्रा सोना होने की वजह से कन्नन चोरों के साथ साथ पुलिस वालों से भी बचते हुए उस गोल्ड को डिलीवर करता रहता है। कहने के लिए यहाँ पर मुथु और कन्नन सोने का व्यापार करते हैं, लेकिन इनके ऊपर काफी सारा कर्जा भी होता है, यानी कि इनकी जिंदगी बस कट रही थी। ऐसे एक दिन कन्नन मुथु के घर पर आता है और उसे कहता है कि कल मैं और अंबिका मैडम थोड़ा गोल्ड मुंबई डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोयम्बतूर में मुझे एक और गोल्ड डिलीवर करना है। अगर तुम भी मेरे साथ कोयम्बतूर आ जाओगे तो मैं हमारे फेवरेट होटल में तुम्हारे लिए रूम बुक करूंगा और तुम वहां पर एंजॉय करते रहो और मैं गोल्ड की डिलीवरी करके आ जाऊंगा। उसके बाद तुम वापस घर पर आ जाना और मैं मुंबई चला जाऊंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मुथु और कन्नन कोयम्बतूर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते के दौरान मुथु अपने फ्रेंड विजय को भी साथ ले लेता है। रात होने के बाद फाइनली ये तीनों कोयम्बतूर पहुंच जाते हैं, लेकिन कन्नन गाड़ी से नहीं उतरता और मुथु और विजय को उस होटल में एंजॉय करने के लिए कहता है। वो उस होटल के मैनेजर को बुलाकर इन दोनों के अच्छे से खातिरदारी करने के लिए कहता है और इस तरह से कन्नन अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। उसके बाद हम मुथु और विजय को देखते हैं, वो उस होटल में अच्छा खासा खाना खाते हैं और ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेकिन तभी विजय देखता है कि गाड़ी की चाबी तो उनके पास ही रह गई। तो अब मुथु फटाफट से कर्नन को कॉल करता है और उसे बताता है कि गाड़ी की चाबी हमारे पास ही रह गई है, अब तुम गाड़ी को कहीं पर भी मत रोको, अपना सोना डिलीवर करने के बाद ही गाड़ी को रोकना, अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर मुथु और विजय दो लड़कियों को अपने रूम में बुलाते हैं उनके साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर कन्नन मुथु को कॉल करके बताता है कि मेरी गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया और मेरे पास गाड़ी की चाबी ना होने की वजह से वो लोग यही समझ रहे हैं कि मैंने इस गाड़ी को चुराया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने गाड़ी रोकने से पहले हमारे दोस्त के जरिए हमारा सोना भेज दिया है, मतलब कि सोना सेफ है। तुम दोनों तुरंत ही गाड़ी की चाबी को लेकर मुथुपुड़ी पुलिस स्टेशन आ जाओ। अब ये खबर सुनने के बाद मुथु और विजय टैक्सी के जरिए पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को इस एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो कोयम्बतूर में रहने वाले अपने एक फ्रेंड अरुल को कॉल करते हैं। मुथु कहने लगता है कि अरुल फटाफट से तुम यहाँ पर आ जाओ और हम दोनों को मुथुपेटा पुलिस स्टेशन में लेकर जाओ, क्योंकि हमें इस एरिया के बारे में नहीं पता और हमें तमिल भी नहीं आती। जिस पर अरुल कहता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसी वक्त कन्नन मुथु को कॉल करके बताने लगता है कि मुथु लगता है कि हम फंस गए हैं, जब मैंने अपने दोस्त को सोना लेकर भेजा था तो शायद वो चीज पुलिस वालों ने देख लिया और सुनने में आया है कि ये मुथुपेटा के आसपास स्मगलिंग ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर स्मगलिंग को रोकने के लिए स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है और अनलकीली में उसी टीम के हाथ लग गया। अब ये लोग मुझे स्मगलर समझ रहे हैं और ये लोग मुझसे इंटरोगेट भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात डीएसपी से हुई, मैंने डीएसपी के साथ बात करके एक रेट फिक्स किया है, अगर हम लोग डीएसपी को 5 लाख रुपए दे देंगे तो डीएसपी मुझे इस केस से बाहर निकाल देगा, इसलिए तुम्हारे पास जो 3 लाख रुपए है ना वो 3 लाख रुपए डीएसपी को दे दो और बाकी के 2 लाख के बजाय मैं मेरे गले में जो चैन है ना वो दे दूंगा। अब ये बात जानने के बाद मुथु और विजय टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि तुम हमें सेलम रूट से मुथुपेटा पुलिस स्टेशन लेकर चलो, जिस पर ड्राइवर कहता है कि साहब सेलम और मुथुपेटा ये दोनों अलग अलग रूट है। ये बात सुनकर विजय सोचने लगता है कि तो फिर कन्नन ने हमें ऐसा क्यों कहा कि वो सेलम रूट से जा रहा है। अब मुथु ड्राइवर से कहता है कि भाई तुम हमें फटाफट से मुथुपेटा पुलिस स्टेशन लेकर चलो। तभी रास्ते के दौरान एक इंस्पेक्टर मुथु को कॉल करता है और कहता है कि तुम लोगों को थोड़ा आगे जाने पर एक फ्लाईओवर मिलेगा, उसी फ्लाईओवर के पास डीएसपी की गाड़ी मौजूद होगी, वहीं पर आकर तुम 3 लाख रुपए दे देना।
उसके बाद ये दोनों फ्लाईओवर के पास आ जाते हैं और सच में वहां पर डीएसपी की गाड़ी मौजूद होती है। तो वहां का एक कांस्टेबल मुथु के पास आकर उनसे 3 लाख रुपए ले लेता है और कहता है कि उसके रिलीज होने के बाद तुम्हें गोल्ड चेन भी देनी होगी। अब यहां से तुम लोग डायरेक्टली पुलिस स्टेशन चले जाओ और वहां पर किसी को भी मत बताना कि तुमने हमें पैसे दिए हैं, हम भी तुम लोगों को देखकर अंजान बनेंगे। इस तरह से मुथु और विजय पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर स्पेशल फोर्स उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उनसे एक एक करके पूछताछ करने लगते हैं। वो कन्नन से पूछते हैं कि तुम्हारे गाड़ी से जो बंदा भाग गया वो कौन था और उसके बैग में क्या था। इस तरह से रात भर उन तीनों से सवाल जवाब पूछने लगते हैं और उन्हें उसी पुलिस स्टेशन में रखते हैं। खैर, अब सुबह होने के बाद स्पेशल फोर्स इन दोनों को डीएसपी के पास लेकर आते हैं। अब डीएसपी यहां पर स्पेशल स्टाफ को देखकर उन लोगों पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि इन तीनों के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और मैंने इन तीनों का बैकग्राउंड भी चेक किया है, ये तीनों लोग क्लियर है, ये तो बस अपना बिजनेस कर रहे हैं। तुम लोगों ने रात भर इन लोगों को क्यों रखा, अभी कभी इन लोगों को छोड़ दो। इस तरह से डीएसपी के कहने पर इन तीनों को रिलीज कर दिया जाता है। अब उसके कुछ देर बाद एक कांस्टेबल किसी जगह पर आकर कन्नन से मिलता है और उससे उसकी गोल्ड चेन ले लेता है। अब उस सोने के चेन के साथ एक भगवान का लॉकेट होता है, सो वो कांस्टेबल उस लॉकेट को उसे वापस कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब रास्ते के दौरान कन्नन किसी बंदे को कॉल करता है और मुथु को कहता है कि मैंने अपने दोस्त के बैग में मेरा एक दूसरा फोन रखा था और अभी अभी मुझे उस बंदे का ही कॉल था। हमारा सोना सेफ है और हम आसानी से अपने सोने को डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह से अब मुथु और विजय वापस आ जाते हैं और कन्नन वहीं कोयम्बतूर में रुकता है। अब उसके दूसरे दिन सुबह कन्नन मुथु को कॉल करके बताने लगता है कि अरुण मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर रहा है और मैं बस के जरिए मुंबई जा रहा हूँ, वापस आने के बाद हम चिल करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से कन्नन मुंबई जाकर एक रूम में स्टे करने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद कन्नन की ओनर अंबिका मुथु को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि मैं मुंबई में एक सोनार की दुकान पर वेट कर रही हूँ। एक्चुअली कन्नन और मैं एक साथ मुंबई आने वाले थे, लेकिन कन्नन को कोयम्बतूर में कुछ काम था, इसी वजह से हम लोग अलग अलग आ गए। लेकिन मुझे कन्नन का अभी तक कोई कॉल नहीं आया और मैं उसको कॉल लगा रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन पिकअप नहीं कर रहा है। अब ये जानने के बाद मुथु भी कन्नन को कॉल करने लगता है, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी नो रिस्पॉन्स। अब बहुत ज्यादा देर होने के बाद मुथु पुलिस स्टेशन जाता है और कन्नन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। उसके बाद मुथु कर्नन की वाइफ के पास आता है और उसे थोड़ा दिलासा देता है, लेकिन तभी उसी वक्त पुलिस वाले मुथु को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने मुंबई के पुलिस को कॉल करके कर्नन के बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि मुंबई के किसी होटल में किसी बंदे की लाश पाई गई है और आईडी कार्ड दिखाने के बाद ये पता चला है कि वो लाश कर्नन की है। अब ये बात सुनने के बाद बेचारी कन्नन की वाइफ कीर्ति तो बहुत ज्यादा टूट जाती है। यहाँ इस तरफ मुंबई में ऑफिसर जयंत क्राइम स्पॉट पर ये देखता है कि रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है, कन्नन के हाथ पर चाकू का घाव है और उसी तरह कन्नन की लाश फैन से लटकी हुई है। उसके बाद ऑफिसर जयंत कन्नन के करीबी लोगों को मुंबई बुलाता है। यहाँ पर पहले वो अंबिका से कहता है कि शायद किलर ने सोने की वजह से कन्नन को मारा होगा। देखिए, अगर इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट किया जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इस दरमियान में किलर के पास जो सोना है वो खाली हो जाएगा, इसलिए अगर आप लोग हमारी टीम के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे तो हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन फटाफट से कर देंगे। सो अब अंबिका भी इसके लिए मान जाती है। अब यहाँ पर जयंत कहता है कि शायद किलर ये जानता था कि कन्नन के पास सोना है, सो वो किलर कन्नन को या तो केरला से फॉलो कर रहा होगा या तो फिर कोयम्बतूर से, इसलिए हम लोगों को पहले केरला से ही हमारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। और सीसीटीवी फुटेज में भी किलर का चेहरा नजर नहीं आया। और ये सब कुछ कहने के बाद जयंत अपनी टीम के साथ केरला जाने लगता है। पहले ऑफिसर जयंत उन लोगों से पूछताछ करता है जो लोग कन्नन के करीबी थे। यहाँ पर कन्नन की वाइफ कीर्ति कहने लगती है कि मेरा और मेरे पति कन्नन का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। हाँ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा है, लेकिन हम धीरे धीरे उस कर्जे को उतार रहे हैं, इसलिए पहले से ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा कम ही बचा है। उसके बाद मुथु से पूछताछ करने पर मुथु कहने लगता है कि सर, हम लोग तो नाम के लिए गोल्ड का बिजनेस करते हैं, हम दोनों के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, कन्नन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। उसके बाद जयंत कन्नन की माँ से कन्नन के पीठ पर लगे हुए जख्मों के बारे में पूछता है। कन्नन की माँ कहने लगती है कि कन्नन हर साल मंदिर के एक रिचुअल में पार्टिसिपेट करता है, उसी रिचुअल के दौरान उसकी पीठ जख्मी हो जाती है और कन्नन बहुत ज्यादा धार्मिक था। उसके बाद अंबिका कहती है कि मैंने कन्नन को 2 किलो गोल्ड लेकर मुंबई आने के लिए कहा था,
एक्चुअली उस दिन हम दोनों मुंबई साथ में ही आने वाले थे, लेकिन कन्नन का कोयम्बतूर में कुछ काम होने की वजह से वो सेपरेट आ गया। सो कुल मिलाकर कन्नन के पास 8 किलो गोल्ड हो सकता है। अब यहाँ पर सारे लोगों की बातें सुनने के बाद जयंत सोचने लगता है कि कर्नन को वही बंदा मार सकता है जो ऑलरेडी जानता था कि कर्नन के पास इतना ज्यादा गोल्ड है, इसीलिए वह सारे लोगों पर शक करने लगता है। अब इसी दरमियान विजय कोयम्बतूर में हुई घटना के बारे में जयंत को बताने लगता है कि उस दिन कर्नन ने मुझे कहा था कि वो सेलम रूट से जाने वाला है। अब ऑफिसर जयंत यही बात मुत्तू से पूछता है तो मुत्तू कहने लगता है कि सर हमारा बिजनेस ही कुछ ऐसा है, जब भी हम सोना डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो किसी को भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते, इवन अपनी वाइफ को भी नहीं। इसीलिए उस दिन कर्नन ने विजय से झूठ कहा कि वो उस वाले रूट से जाने वाला है। उसके बाद वो सारे लोगों को होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछने लगता है कि इस फुटेज में तो किलर का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, क्या आप यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकते हो कि कौन किलर हो सकता है? लेकिन यहाँ पर कोई भी उस बंदे को पहचान नहीं पाता। लेकिन होटल के बाहर जाते वक्त किलर के पास कन्नन की ही बैग थी। खैर अब उसके बाद जैन की टीम मुत्थू विजय ये सारे लोग अरुल के पास आते हैं और बातों ही बातों में उसे कन्नन के बारे में बताने लगते हैं और उसी तरह इंक्वायरी के लिए केरला आने के लिए कहते हैं। सो अब अरुल कहने लगता है कि आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं शर्ट पहनकर आता हूँ। ऐसा कहकर अरुल पीछे के दरवाजे से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग मिलकर अरुल को पकड़ ही लेते हैं। खैर अब उसी रात मुत्थू और विजय जयंत के एक ऑफिसर के रूम में आते हैं इस केस के बारे में पूछताछ करने के लिए। वो ऑफिसर कहने लगता है कि आप लोगों ने मुत्थू पीड़ा के बारे में जो कुछ भी डिस्कस किया था तो अब ना हम उस एंगल से थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोयम्बतूर में कन्नन ने सारा सोना अपने दोस्त को देकर भेजा, इसका मतलब तो यही है कि कन्नन उस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और कन्नन का ये बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। पहले तो हमें उस बंदे को पकड़ना होगा। और उस रात कन्नन ने अपना दूसरा फोन उस बंदे को दिया। सो कन्नन ने उसके दूसरे नंबर से दोस्त को कॉल किया तो वो नंबर किसका है और उसने किसको कॉल किया था, इस एंगल से हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। अब उसके दूसरे दिन जयंत की टीम एक लड़की के पास आकर उसे पूछती है कि कुछ दिन पहले एक बंदे ने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था, कौन था वो बंदा? ये लड़की कहने लगती है कि आप जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हो वो नंबर अब मेरे पास नहीं है, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड विक्की के पास है, और उस नंबर पर किसने कॉल किया ये तो विक्की ही जानता होगा। अब विक्की के बारे में पता करने के बाद ये बात पता चलती है कि विक्की एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, उसे कभी कभी जेल भी हुआ करती थी और फिलहाल वो जेल में ही मौजूद है। इसीलिए अब जयंत की टीम विक्की से मिलने के लिए जेल आती है। पहले तो यहाँ पर विक्की कुछ नहीं बताता, लेकिन जब इंस्पेक्टर जयंत अपनी भाषा में उसे पूछता है यानी कि मारपीट कर, तब विक्की बताता है कि उस दिन मुझे अब्बास भाई ने फोन करके कोयम्बतूर से पिकअप करने के लिए कहा था। और उसी तरह जयंत की टीम भी अब्बास का फोटो ले लेती है और वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये बात पता चलती है कि अब्बास चोरी छुपते हुए कोयम्बतूर से कर्नल को फॉलो कर रहा था। इसीलिए इंस्पेक्टर जयंत सोचने लगता है कि शायद अब्बास ने ही कर्नल को मारा होगा। उसी तरह दोबारा से सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर ये बात पता चलती है कि होटल के अंदर आते वक्त अब्बास ने अपना चेहरा छुपा लिया था और दिखने में ऐसा लगता है कि कर्नन ही अब्बास को अपने साथ लेकर आया था, जिसका मतलब कर्नन और अब्बास ने मिलकर ये प्लान किया कि ये दोनों अंबिका के गोल्ड को चुराएंगे। लेकिन अब्बास ने कर्नन को मारकर सारा सोना चुरा कर भाग गया। इस तरह से इंस्पेक्टर जयंत और उसकी टीम सोचने लगती है और मुत्थू पर भी शक करने लगती है, क्योंकि मुत्थू भी कर्नन का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर मुत्थू इस बात से साफ साफ मना कर देता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी यहाँ पर जयंत की टीम को अब्बास के घर का एड्रेस मिल जाता है। जब ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अब्बास के घर में कर्नन की बैग होती है, लेकिन उसमें सोना मौजूद नहीं था। इसलिए ऑफिसर जयंत अब्बास की वाइफ से अब्बास के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर अब्बास की वाइफ उसे कुछ नहीं बताती। इसलिए अब यहाँ पर चालाकी से जयंत कहने लगता है कि काश तुम्हारी तरह भी अब्बास लॉयर होता, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पति दूसरी लड़की के साथ मिलकर श्रीलंका जाने का प्लान बना रहा था। जब हमने अब्बास की कॉल हिस्ट्री चेक की तो अब्बास रेगुलरली एक लड़की से फोन पर बात करता था। अब ये बात सुनने के बाद अब्बास की वाइफ पहचान लेती है कि वो सारिका ही हो सकती है, जिस पर जयंत कहता है कि आप सही कह रही हो। तो अब यहाँ पर अब्बास की वाइफ गुस्सा होकर जयंत के सामने ही अब्बास को कॉल करती है और उसका एड्रेस पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर अब्बास उसे एक थिएटर में आने के लिए कहता है। फिर क्या था, जयंत की टीम अब्बास को पकड़ने के लिए थिएटर पहुंच जाती है और प्लानिंग करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अब्बास जयंत के हाथ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर फाइनली मुत्थू अब्बास को मार पीट कर पकड़ लेता है
और उसके बाद में यहाँ पर अब्बास अपनी सारी कहानी जयंत को बताने लगता है कि मैं, कन्नन और अरुल एक साथ पढ़ा करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद हम लोग अपने अपने बिजनेस में लग गए, लेकिन रिसेंटली मैं बहुत कर्ज में डूब गया था, इसलिए मैंने कन्नन से मुलाकात की और उसे अपनी परेशानी बताई, जिस पर कन्नन ने मुझे एक प्लान बताया और बस कन्नन का प्लान ही मैं फॉलो कर रहा था। उस दिन कन्नन के कहने पर मैं ही कन्नन को फॉलो करते हुए मुंबई पहुंच गया और उसके रूम में जाने के बाद कन्नन के हाथों को जख्मी करके उसको एक चेयर से बांध दिया, ताकि थोड़ी देर के बाद कन्नन खुद ही अपने हाथों को छुड़ा पाए। यानी कि ये दोनों यहाँ पर ऐसा दिखाना चाहते थे कि कोई अनजान बंदा आकर कन्नन को मारकर उसका सारा सोना लेकर भाग गया, और इसीलिए कन्नन ने अपने बेस्ट फ्रेंड अब्बास को इस काम के लिए सिलेक्ट किया। और अब्बास कहने लगता है कि वापस आने के बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। उसके बाद ऑफिसर जयंत सोचने लगता है कि अब्बास रूम के बाहर जाने के बाद कोई भी बंदा कन्नन के रूम के अंदर नहीं गया और ना ही कन्नन के रूम से कोई बाहर आया, तो फिर कन्नन का खून स्विच बोर्ड और फैन से कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि कन्नन का कोई मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि कन्नन ने खुद ही अपनी जान ले ली। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है कि कन्नन का किसी ने मर्डर नहीं किया, बल्कि कन्नन ने ही खुद की जान ले ली। दरअसल कन्नन बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा था और इतना डूब गया था कि वो अपने प्रॉपर्टी बेचकर उस कर्जे को भी चुका नहीं पाता, और अगर वो प्रॉपर्टी बेच भी देता तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। सो कन्नन ने अपनी फैमिली की केयरिंग करते हुए अब्बास के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। सो अब कन्नन के मरने के बाद अब्बास उस सोने को बेचकर उसमें से थोड़ा पैसा कन्नन की वाइफ कीर्ति को दे देगा। ये सुनकर मुद्दू कहने लगता है कि कन्नन क्यों आत्महत्या करेगा, आप लोगों ने इस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हम दूसरे ऑफिसर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। खैर अब यहाँ पर जो भी हो, जयंत की टीम अरुल को रिहा कर देती है। उसके बाद अरुल कीर्ति के पास आकर भगवान का वो लॉकेट कीर्ति को दे देता है, मतलब कि मुंबई जाने से पहले कन्नन ने अरुल से मुलाकात करके वो लॉकेट उसे दिया था, और उसी तरह कीर्ति को उसे माफ करने के लिए कहता है। लेकिन कीर्ति उस भगवान के लॉकेट को मंदिर के कुंडी में डाल देती है। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।